बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको DBMS का इंट्रो बताया था और कुछ टर्म्स आपको बताई थी जो कि DBMS में यूज़ होती हैं। आज हम लोग फाइल सिस्टम का कंपैरिजन करेंगे DBMS के साथ कि दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। और आज के लेक्चर के जो हमारे कंटेंट्स हैं, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ये चीज़ें करने के बाद फिर हम DBMS देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे, कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़े से बताए थे लेकिन इतनी डिटेल में नहीं मैंने बताया था, और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम देखते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग? इन ए टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ईच डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ एप्लीकेशंस एंड इट्स ओन फाइल्स डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर दोज एप्लीकेशंस। आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जिसमें हर डिपार्टमेंट अपनी फाइल को मेंटेन करने के लिए अपने कुछ एप्लीकेशंस रखते हैं और उसकी फ़ाइल उसी के पास होती हैं और वो उन्हीं फाइल्स पे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कॉलेज के एडमिशन सिस्टम की, तो कॉलेज का एडमिशन सिस्टम जो है ये अपनी फ़ाइल्स किसी से शेयर नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस डिपार्टमेंट में खुद जाऊँगी और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करूँगी। उस फाइल को मैनेज करने के लिए विदाउट एनी यूजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वो फाइल मेंटेन करेंगे, जिसको सिंपल सा हम मैनुअली कॉल कर सकते हैं कि विदाउट यूजिंग एनी कंप्यूटर वो लोग अपनी फाइल्स को मेंटेन करते हैं। द डिपार्टमेंट इटसेल्फ वर्क विद द डेटा प्रोसेसिंग स्टाफ, सेट पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स फॉर द फॉर्मेट एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स फाइल। उस डिपार्टमेंट ने अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए खुद ही कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, फॉर्मेट्स हैं और वो अपनी फाइल्स को मेंटेन कर रहे हैं। अगर वो कंप्यूटर को यूज़ कर भी रहे हैं तो हो सकता है वे MS Excel में ये काम करें, कोई प्रॉपर डाटा बेस फाइल सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे एक्सेस है या VBA, उसको यूज़ करते हो अपने फाइल को मेंटेन नहीं करते। कंप्यूटर रीडेबल डाटा इन फाइल सिस्टम आर केप्ट इन फाइल्स स्टोर और मैग्नेटिक टेप और डिस्क, और फाइल जो कि स्टोर हो रही है वो किसी भी मैग्नेटिक डिस्क में उसको सेव करेंगे। ये देखें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है, उसने यहाँ पे आपको तीन सिस्टम्स क्लियर किए हैं, एक लाइब्रेरी है, एग्जामिनेशन है और रजिस्ट्रेशन है। लाइब्रेरी अपने फाइल को मेंटेन करने के लिए कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम पे काम कर रही है, ठीक है, ये उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम है और फिर यहाँ पे फाइल जो है उसकी स्टोर हो रही है। इसी तरह एग्जामिनेशन ने कुछ अपनी पॉलिसी सेट की हुई है और यहाँ पे वो फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह रजिस्ट्रेशन का भी सेम है, और आप एक चीज़ चेक करें, ये तमाम फाइल्स आपस में शेयर नहीं हो रही, सारी स्टैंड अलोन है, ईच फाइल इंडिविजुअली वर्क, और कोई फाइल हमें यहाँ पे कंसेप्ट नहीं दे रही कि वो आपस में शेयर हों। ये हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, उसके देखें ज़रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू इलिस्ट्रेट द ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डेफिनेशन, लेट अस टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉलेज वेयर स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर एग्जामिनेशन इज स्टोर्ड इन वन फाइल। कि आप एग्जाम्पल हैं कॉलेज के एग्जामिनेशन सिस्टम के, जिसमें कि एक फाइल में हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिन्होंने एग्जाम में अपेयर होना है। एडमिशन रिकॉर्ड ऑन अदर फाइल, और अगर जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उनका हम अलग से फाइल मेंटेन करते हैं, और इसी तरह लाइब्रेरी रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट फाइल। इसका मतलब है तीन फाइल्स हमने क्रिएट की, ठीक है, और दैट क्रिएट मैनी डुप्लीकेट वैल्यूज, फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर, नेम, फादर नेम, दैट क्रिएट द डाटा रिडेंडेंसी। डाटा रिडेंडेंसी कैसे हो सकती है? डाटा रिपीट हो रहा है, ठीक है। डाटा रिडेंडेंसी का मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपको कंसेप्ट दिया था, व्हाट इज़ द मीन ऑफ डाटा रिडेंडेंसी, डाटा का डुप्लीकेट होना। अब तीन फाइल्स में हमारे पास एक ही तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि बार बार आ रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक स्टूडेंट आके कहता है कि मैंने अपना फॉर एग्ज़ाम्पल नेम चेंज कर लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड जो है कहाँ पे आपके पास एग्जामिनेशन सिस्टम में करना पड़ेगा, एडमिशन सिस्टम में और लाइब्रेरी, तीन जगह पे उसका रिकॉर्ड हमें
चेंज करने की ज़रूरत है, और कहीं पे भी मैं चेंज करना भूल गई हूँ तो डाटा रिडंडेंट हो गया, डाटा रिपीट हो रहा है ना, तो वहाँ पे डाटा को हम हर जगह पे जाके चेंज करेंगे। कहीं पे भी मैं डाटा को चेंज करना भूल गई हूँ तो डाटा इनकन्सिस्टेंट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं इनकन्सिस्टेंसी। जहाँ पे भी रिडंडेंसी हो, डाटा रिपीट हो रहा हो, उसको डाटा रिडंडेंसी कहते हैं, और जहाँ पे भी डाटा रिडंडेंसी हो वहाँ पे डाटा इनकन्सिस्टेंटी, डाटा का गलत होना, क्योंकि कहीं मैं उसका नाम कुछ बता रही हूँ, कहीं कुछ बता रही हूँ, वो आपके पास डाटा इनकन्सिस्टेंसी कहलाएगा। ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसमें क्या है, इट स्टोर डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रुप ऑफ फाइल। अभी हमने पढ़ा है फाइल कैरिंग डाटा आर इंडिपेंडेंट, हर फाइल अलग अलग से काम करती है, कोबोल है, सी प्लस प्लस है, ये इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम फाइल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ईच फाइल कंटेन डाटा फॉर स्पेसिफिक एरिया और डिपार्टमेंट, जैसे अभी हमने बात की कॉलेज का एडमिशन सिस्टम है, एग्जाम है, हर कोई अपना अपना अलग से डाटा को मेनटेन कर रहा है। डाटा फ्लैक्सीबल भी कम है और उसमें लिमिटेशन भी हैं, और इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एनी चेंज इन द वन फाइल इफेक्ट ऑल द फाइल, अभी मैंने बताया है कि किसी एक फाइल में आप चेंज लेके आ रहे हैं, उसका इफेक्ट तमाम फाइल्स में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और कहीं भी करना भूल गए हैं तो आपके पास इनकन्सिस्टेंसी आ गई। फाइल इन द ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स आर कॉल्ड फ्लैट फाइल्स, ठीक है, वो फाइल्स जो कि ट्रेडिशनली फाइल्स को मेंटेन करी वो आपके पास फ्लैट फाइल्स कहलाएंगी। फ्लैट फाइल्स क्या होती हैं, स्टोर द डाटा इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट इन ए रिलेशनल डेटाबेस, ए फ्लैट फाइल इंक्लूड द टेबल विद वन रिकॉर्ड पर लाइन, हम हर लाइन में डाटा या कॉलम में डाटा को मेंटेन करते हैं और वहीं से फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और वो फाइल जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं है। एडवांटेजेस के कंपनीज मेनली यूज फाइल प्रोसेसिंग टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा ऑन द रेगुलर बेसिस, के रेगुलर बेसिस पे अगर वो अपने फाइल को मैनेज करना चाहें तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। फाइल प्रोसेसिंग डिज़ाइन अप्रोच वाज वेल सूटेड टू मेन फ्रेम हार्डवेयर एंड पैच इनपुट, और अगर वो कहीं पे भी फाइल को मेन फ्रेम में हार्डवेयर में कहीं स्टोर करना चाहें तो वो उसे कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल प्रोसेसिंग कैन बी मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट लेस देन द DBM इन द सर्टन सिचुएशन, और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उसमें आपकी कॉस्ट भी कम लगती है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एडवांटेजेस इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि इसके ड्रॉबैक हैं। द डिज़ाइन ऑफ द फाइल प्रोसेसिंग इज़ मोर सिंपल देन डिज़ाइनिंग डेटाबेस, वो कहते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू जब हम डेटाबेस में फाइल को मेंटेन कर रहे हो। फाइल प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस एंड कैन बी मोर स्पीड देन द डेटाबेस, उसमें कॉस्ट भी कम लगती है जबकि डेटाबेस में कॉस्ट ज़्यादा लगती है। फॉर एग्जांपल हम सर्वर बनाना चाह रहे हैं, हम और ज़्यादा सहूलतें देना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से इसमें जो है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। वी कैन कस्टमाइज फाइल प्रोसेसिंग मोर इजीली एंड एफिशिएंटली देन डेटाबेस बिकॉज फाइल आर रिलेटेड विद द एप्लीकेशन एंड इट हैव ऑल द डेटा रिकॉर्ड फॉर दैट एप्लीकेशन। इसके अलावा कहते हैं फाइल प्रोसेसिंग में हम डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं, जबकि हमें डेटाबेस में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि रिलेटेड एप्लीकेशंस हम बनाएं, लेकिन एक दफ़ा अगर वो बन जाएं तो फिर हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा। ये इसके एडवांटेजेस से लिमिटेशंस देखें, इसकी लिमिटेशंस उसने बहुत ज़्यादा बताई हुई हैं। सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड डाटा, डाटा हर डिपार्टमेंट का अलग अलग पड़ा है, मैं उस डाटा को कंबाइन नहीं कर सकती या शेयर नहीं कर सकती। वो देखिए उसने यही बनाया है कि टू मेक द डिसीजन ए यूज़र माइट नीड डाटा फ्रॉम टू सेपरेट फाइल, फर्स्ट द फाइल पर इवेल्युएटेड बाय द एनालिसिस एंड द प्रोग्रामिंग टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक डाटा रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच फाइल and the relationship between the data and the application could be written in the programming language to process and extract the need of data। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक फाइल मैनेज की है तो आप उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग से लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं 100 फाइल्स
मैनेज कर रही हूँ, एडमिशन की, एग्ज़ाम की, लाइब्रेरी है, बुक रिकॉर्ड है, देर आर द लॉट ऑफ फाइल्स विच आर मैनेज इन द डाटा इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका क्या मतलब, मैं अगर 100 फाइल्स मैनेज कर रही हूँ तो मुझे 100 एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, और ईच प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिक होगा अपनी फाइल के लिए, उसी फाइल के लिए काम नहीं करेगा. अब ये देखें कितना ज़्यादा हमें कंप्यूटर की मेमोरी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, और उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. हर फाइल के लिए वो अलग अलग से एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएगा, ठीक है, इसके लिए. जबकि अभी हम जब DBMS पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ देखिएगा कि हम सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं और सारी फाइल्स के लिए काम करता है, ठीक है. तो क्या हुआ, प्रोग्रामर का काम कम हो जाता है उसमें. डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है जिसको डाटा रिडंडेंसी का भी नाम दिया गया था. ऑफन द सेम इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मोर देन वन फाइल, अभी उसने आपको एग्जांपल भी दी है. द रिक्वायर्ड एडिशनल स्टोरेज, एक तो एडिशनल स्टोरेज भी चाहिए, मोर कॉस्ट टाइम चाहिए, मनी चाहिए एक ही तरह की फाइल को बार बार स्टोर करने के लिए. और दूसरा सबसे बड़ा एरर क्या है कि कहीं पर भी मैं डाटा को चेंज करना भूल गई तो डेटा गलत हो गया हमारे पास, ठीक है. डेटा डिपेंडेंस इन द फाइल बेस्ड अप्रोच, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिजाइन डिपेंडेंट. इट मीन्स दैट विद द चेंज इन द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, हाउ द डेटा इज फिजिकली रिप्रेजेंटेशन इन द डिस्क, और एक्सेस टेक्निकल, हाउ इट इज़ द फिजिकल एक्सेस ऑफ द डाटा. वो कहता है कि जब डाटा डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, तो हर एप्लीकेशन के, हर फाइल के लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग से लिखना पड़ता है, तो आपको अपनी डिस्क में बहुत ज़्यादा लोकेशन स्टोरेज चाहिए जिसमें कि आपकी फ़ाइल भी स्टोर हो और उसके उनके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी, क्योंकि डाटा जो है वो डिपेंड कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम पे. उसके बाद डाटा रिडंडेंसी है. अभी हमने पढ़ा कि डाटा कॉमन टू मोर और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेवरल प्लेसेस, डाटा रिडंडेंसी रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेसेस. एक ही तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, उसको मेंटेन करने, अपडेट करने, तो उस पर एक्सपेंसिव ज़्यादा लगेंगे. डेटा इंटेग्रिटी रेफर टू द वैलिडेशन, डेटा इंटेग्रिटी का मतलब है डेटा का एक्यूरेट रहना. डेटा इंटेग्रिटी कैन बी कंप्रोमाइज्ड इन द नंबर ऑफ वेज, ह्यूमन एरर्स व्हेन डेटा इज एंटर्ड, जब हम मैनुअली वर्क कर रहे हैं मिस्टेक हो सकती है, हम एक ही रोल नंबर को बार बार लिख सकते हैं, तो यही चीज़ जब हम डेटा बेस में करें तो सॉफ्टवेयर हमें इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करेगा कि आप एक तरह का डेटा बार बार एंटर करें. वो कहते हैं एरर देयर अकर व्हेन द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर अदर, अदर सॉफ्टवेयर बग्स और वायरस, हार्डवेयर मॉल फंक्शनिंग सच एज डिस्क क्रैश हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं सच एज फायर एंड फ्लड, फायर्स एंड फ्लड्स वगैरह के. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आप डिस्क में अपना डाटा शिफ्ट कर रहे हैं, हो सकता है वायरस आपकी डिस्क में चला जाए और वो फिर जब आप दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करें तो उसको भी उसमें भी प्रॉब्लम लेके आए. इसके अलावा कुछ नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिस कमरे में आपने फाइल्स रखी हुई उसमें आग लग सकती है, या कोई फ्लड की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. दैट आर द नेचुरल फिनोमेना, जिसमें जबकि अगर हम DBMS में करेंगे तो उसका हम बैकअप लेते हैं और वो हमारे पास हम उसे कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं फ्लैश वगैरह में. रिजिड डाटा स्ट्रक्चर, ए डाटा स्ट्रक्चर दैट इज़ हार्ड टू वर्क विद एंड इनफ्लेक्सीबल. डाटा फ्लेक्सीबल नहीं है, ये हमने पहले भी पढ़ा, हर फाइल अपने लिए काम कर रही है और वो शेयर भी नहीं करवा रही, तो ये इसकी रिजिडनेस है कि वो आपको फाइल को परमिशन नहीं दे रहा कि वो कंपेयर करें. डाटा इनकन्सिस्टेंसी मैंने अभी बताया कि जब डाटा रिपीट हो रहा है तो कहीं पर भी हम चेंज करना भूल गए हैं तो वो डाटा आपका इनकन्सिस्टेंस हो गया, ठीक है. उसके बाद सिंप्लिसिटी है, फाइल प्रोसेसिंग में सिंप्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं है फाइल कन्वेंशन में, क्योंकि हर फाइल अलग से काम कर रही है. एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 100 ऑफ फाइल्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कम हो जाएगी. कॉस्टमाइजेशन, यू कैन कंप्रोमाइज द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. पर मोर इजीली एंड एफिशिएंटली देन द डेटाबेस बिकॉज द फाइल आर रिलेटेड विद द एप्लीकेशन एंड इट हैव ऑल द डेटा नीडेड फॉर द एप्लीकेशन. आपके पास कस्टमाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी पर्सन जो है वो आपकी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. और डिफ़िकल्टी इन रिप्रेजेंटिंग द डेटा, डेटा को प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर फाइल स्टैंड अलोन काम कर रही है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, आइसोलेशन है, डेटा आइसोलेटेडली काम कर रहा है और डेटा इनफ्लेक्सीबल है.
हम बार बार पढ़े हैं कि डेटा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डेटा रिजिड है, ठीक है, और डेटा सिक्योरिटी नहीं है, हर फाइल अलग से काम कर रही है और डेटा को अलग से मेंटेन किया जा रहा है, तो डेटा इजीली एक्सेस है टू ऑल द पर्संस विच कैन यूज़। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इनकैपिटेबल फाइल फॉर्मेट। एज अ स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल इन इज़ एम्बेडेड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम, द स्ट्रक्चर आर डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल जनरेटेड बाय द कोबोल प्रोग्राम मे बी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल जनरेटेड बाय द सी, कि हर एक का डिफरेंट है। अगर मैं कोबोल में प्रोग्रामिंग कर रही हूँ तो उसका अलग से फॉर्मेट होगा, और अगर मैं सी में करी तो उसका चेंज है, ठीक है ना। और उसके बाद ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम है फाइल में, हर फाइल जो है उसमें जो भी हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं है ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि फाइल एटॉमिक भी नहीं, एटॉमिक का मतलब होता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम देयर मस्ट बी ए वैल्यू। फाइल एक रो में बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं फाइल, जिसमें कि हम फिर फाइल को मैनेज नहीं कर पा सकते। कंसिस्टेंसी है, आइसोलेशन है, ये जो पीछे हम सब ने हमने ये सारे पढ़े हैं, और ये सारी चीज़ें एसिड प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, ठीक है, जिसको कि आप नाम देते हैं ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टीज़, फोर हैं ये। कंकरेंसी प्रॉब्लम, व्हेन मल्टीपल यूजर्स एक्सेस द सेम पीस ऑफ डेटा एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम दैट इट कैन बी यूज्ड एज कंकरेंसी ऑफ द सिस्टम, व्हेन टू और मोर यूजर्स रीड द डेटा साइमल्टेनियसली देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट व्हेन दे लाइक टू अपडेट ए फाइल साइमल्टेनियसली इट मे रिजल्ट द प्रॉब्लम। एक ही वक्त में एक ही रिकॉर्ड पे जब मल्टीपल यूजर्स फाइल को एक्सेस करना चाहें तो दैट इज़ कॉल्ड कंकरेंसी प्रॉब्लम। इस चीज़ को कन्वेंशनल फाइल बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती, इस चीज़ को डेटाबेस मैनेज करता है। कैसे करता है ये, जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे ना तो ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा कंकरेंसी प्रॉब्लम क्या है। सर मैं ये समझा देती हूँ कि कंकरेंसी प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे एक ही वक्त में एक कॉलेज का एडमिशन फाइल है, रोल नंबर 10 है, एक यूज़र उस रोल नंबर 10 की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा है और दूसरा यूज़र एट द सेम टाइम उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंकरेंसी प्रॉब्लम। दो यूज़र एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ ऑपरेशंस एक ही रिकॉर्ड पे कर रहे होते हैं तो वो कंकरेंसी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये चीज़ हम DBMS में जब करते हैं तो हम इसको कवर करते हैं। पुअर डाटा मॉडलिंग और रियल वर्ल्ड, द फाइल बेस सिस्टम इज़ नॉट एबल टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डाटा एंड रिलेशनशिप विच रिजल्ट पुअर डाटा मॉडलिंग प्रॉपर्टीज़। उसमें आपके पास यही आ जाते हैं कि पुअर डाटा मॉडलिंग में गए कि आपके पास फाइल बेस में आपके पास वो इस फॉर्म में नहीं होती और कॉम्प्लेक्स होती है और कोई रिलेशनशिप शो नहीं कर सकती, तो वो पुअर डाटा मॉडलिंग प्रेजेंट है कि वो रियल वर्ल्ड में उसका कोई ताल्लुक ही नहीं पता कि वो डाटा को प्रेजेंट कर सकें। तो ये हम लोगों ने आज इसकी डिटेल पढ़ी है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की, कि वो क्या है, उनकी एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं DBMS पे दूंगी और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे DBMS के साथ। तो जो चीज़ें आज आप लोगों ने पढ़ी हैं इसको आप अच्छी तरह क्लियर कर लीजिएगा, ताकि जब आप DBMS पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद ये सारा समझ आ जाएगा कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्यों ख़त्म हो गया जब DBMS आया। तो DBMS ने अपने बहुत सारे फीचर्स हमें ऐसे प्रोवाइड किए जो कि ट्रेडिशनल नहीं कर रहा था, तो उस वजह से इसको तकरीबन अब इसको ख़त्म करके अब जो नए सिस्टम है उसमें DBMS को लाया गया है, ठीक है। थैंक यू।